मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल ब्यूटीफुल विद इन पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ देगा ऑर्गेनिक्स के ब्रांड के प्रोडक्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैंने तीन प्रोडक्ट्स लिए हैं इस ब्रांड के। एक है एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल, ठीक है। दूसरा मैंने लिया है यंग यंग टोनर, और एक मैंने लिया है हैंडक्राफ्टेड लाइक हैंडमेड सोप, चारकोल सोप मैंने लिया था। सो ये प्रोडक्ट्स मैंने काफी यूज कर लिया है, सो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो देगा ऑर्गेनिक्स ब्रांड है ना, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ब्रांड है। सो ब्रांड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। पहले तो मैंने इनको इंस्टाग्राम पे देखा, और इंस्टाग्राम पे इनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। सो फिर मैंने उनकी वेबसाइट को विजिट किया। जब मैंने उनकी वेबसाइट को विजिट किया तो मैंने देखा कि लाइक यू नो, ये अपने प्रोडक्ट्स को कितने तरीके की टेस्ट से या फिर यू नो क्वालिटी चेक करते हैं। एंड ऑब्वियसली इज एन ऑर्गेनिक ब्रांड। मैं अपने चैनल पे स्किन केयर या हेयर केयर लेकर आऊंगी तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक ही होगा। यू कैन बी लाइक रेस्ट अश्योर्ड कि आपके हाथ में एक बहुत ही ज्यादा सेफ एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट ही आने वाला है। सो मैंने देखा कि उनकी प्योरिटी चेक जो है, और जो इन्ग्रीडियंट्स वो यूज करते हैं, जो चीजों से ये प्रोडक्ट्स बने हैं, वो बहुत ही केयरफुली चूज किए गए हैं, और नेचुरली प्रोडक्ट्स ही यूज करते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स को ज्यादा मॉडिफाई वगैरह भी नहीं करते हैं। सिंपली यू जस्ट टेक द प्रोडक्ट्स एंड जस्ट मिक्स, जो उतना नेचुरल होता है ना, उस तरीके का बनाया है। इट्स हैंडक्राफ्टेड, इट्स प्योर एंड इट इज नेचुरल। सो ये मुझे छोटी सी बात कहनी थी आपको। अगर आप चाहते हो, अगर आपको देखना है, तो उनकी वेबसाइट मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार जरूर विजिट करना, तो आपको पता चलेगा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को कितने अमेजिंग तरीके से बनाते हैं। सो चलो, ज्यादा लेट नहीं करती हूँ, आपको बता देती हूँ कि जो तीनों प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं, मुझे कैसे लगे, और ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाली हूँ। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले ऑब्वियसली मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगी डैंड्रफ के बारे में। सो फ्रेंड्स, डैंड्रफ से छुटकारा हम सबको चाहिए है, तो हम शैम्पू यूज कर लेते हैं, हम बहुत सारे मास्क यूज करते हैं कि हमारे डैंड्रफ से छुटकारा हो। DIY भी करके देखे हैं, बट क्या होता है कि जो DIY वगैरह हम जो करते हैं, उससे हमारे एक दो दिन के लिए डैंड्रफ चले जाते हैं एंड वी आर लाइक सो हैप्पी विद इट। बट वापस हम देखते हैं कि वापस डैंड्रफ आ गए हमारे बालों में। सो उसको अच्छी तरह से, पूरे तरीके से, पूरे ट्रीटमेंट से अगर आप निकालोगे ना, तो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो अगर ऊपरी डैंड्रफ है और आपको क्लाइमेट की वजह से या वेदर चेंजेस की वजह से डैंड्रफ हो गया है, जैसे अभी विंटर्स हैं, और विंटर्स में मेरे बालों में भी बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है फ्रेंड्स, और अभी मुझे करंटली बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी, घर में भी लोगों को बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी, एंड वी वर लाइक वॉन्टिंग टू सी फॉर अ शैम्पू या फिर ऐसा कुछ मिल जाए जो डैंड्रफ का हो। एंड देन आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड, तो मैंने सोचा कि चलो, इनके पास एक पूरा ऑयल है जो एंटी डैंड्रफ ऑयल कहा जाता है, तो चलो इसको लेके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। एंड फ्रेंड्स, यू वोंट बिलीव, जब से ये प्रोडक्ट मैंने ओपन किया है, आपके सामने अनबॉक्सिंग भी करी थी, तब से मैंने ये प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। यू कैन सी कि मैंने प्रोडक्ट को कितना इस्तेमाल कर दिया है। लेकिन मैं आपको कहूं, इस प्रोडक्ट को एक ही बार यूज करके ही मैं आपको रिव्यू लाके दे सकती थी, बट आई डिड नॉट वांटेड टू डू दैट। आई वांटेड टू गो फॉर अ वीक और टू वीक्स एंड देन वांटेड टू कम आउट विद अ रिव्यू, इसलिए मैं थोड़ी लेट हुई हूं इसका रिव्यू करने के लिए। सो इसके अंदर एक ब्लैक कलर का कैप था, उसको ओपन करके आपको अंदर होल करके इसको फिट करना है। सो मैंने इस कोम टाइप ऑफ, आपको पता ही होगा ये आते ही हेयर ऑयल के साथ, और इसमें मैंने यहाँ पे छेद किया हुआ है, एंड आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस प्रोडक्ट। बहुत ही अमेजिंग तरीके से, कन्वीनियंटली आप ऑयल को अपने स्कैल्प में लगा सकते हो ना फ्रेंड, इस ऑयल को आपको स्कैल्प में ही लगाना है, ठीक है, तो क्योंकि वो डैंड्रफ को फाइट करेगा। आपको बता दूं तो पैकेजिंग इस तरह की है, और ये मुझे है 100 ml की ऑयल की बॉटल है, एंड आपको मिलती है 550 rupees। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहूं फ्रेंड्स कि अगर आपने बहुत सारी चीजें देख रखी है, डैंड्रफ फिर भी नहीं जा रहा है, प्लीज मेरे कहने पे इसको एक बार ट्राई जरूर देना। क्योंकि मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम यूज किया ना फ्रेंड्स, एंड मैंने वॉश लिया, मेरा डैंड्रफ 50% वॉज ऑफ माई हेयर। जो आगे आगे दिख रहा था वो तो कम्प्लीटली ही चला गया था, पीछे थोड़े से भी थोड़ा सा था, डैंड्रफ था थोड़ा भी, लेकिन 50% पहले ही वॉश में इसने मुझे रिजल्ट दिया। और ये मैंने अकेले नहीं, मैंने मेरे हस्बैंड को भी, मेरी मदर इन लॉ एंड मेरे घर पे सब इसको यूज कर रहे हैं, तब जाके इतना हुआ है। लेकिन मैं इसको हफ्ते में 2 बार भी किया है, हफ्ते में 3 बार भी यूज किया है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो अच्छी तरह से डैंड्रफ जल्दी निकलेगा। सो इसके बारे में मैं आपको क्या कहूँ फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी है। हाँ, एक बात है कि इसकी स्मेल अच्छी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, क्योंकि यस, ये एक ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स, एक मेडिसिनल ट्रीटमेंट कह सकते हो आप। इसमें नीम सीड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, सनफ्लावर सीड ऑयल है, लिक्राइस मेथी की, और मेथी सीड जो हम बोलते हैं ना फेनुग्रीक, उसका ऑयल है, टर्की टैंगल, स्वीट नीम लीफ एंड आंवला। स्टार्ट में आपको बहुत ही ज्यादा कड़वी नीम की खुशबू आएगी इसमें, बहुत स्ट्रांग है,
लेकिन ये अपने डैंड्रफ को इस तरह से गायब करता है और क्या मैजिकल प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। तो ये मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। तो ये था फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यस, चारकोल सोप की बात करूंगी। तो सबसे इन तीनों में से जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है ये एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल, उसके बाद मुझे ये अच्छा लगा है जो मैं यूज कर रही हूँ चारकोल सोप। सो इस तरह से अब है, क्योंकि मैंने टिश्यू रखा है क्योंकि यूज कर रही हूँ तो नीचे थोड़ा सा सोल्यूशन आ जाता है। तो इस तरह से मेरा यूज करना मैंने स्टार्ट कर दिया है चारकोल सोप को। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। पहली बात तो इतना अच्छा हैंडमेड चारकोल सोप मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा भैया, बहुत ही अमेजिंग है। इसके ऊपर एक पेपर का रैप था और ये एक पोटली में था, तो मैंने अनबॉक्सिंग आपको दिखाई थी। मुझे इसकी प्राइस नहीं पता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको वेबसाइट की लिंक दे दूंगी, आप वहां पे चेक कर सकते हो। दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल ऑन अमेजोन फ्रेंड्स, ये आपको उनकी वेबसाइट से ही खरीदना पड़ेगा या फिर आप उनको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। सो ये वाला जो चारकोल सोप है ना, नो स्मेल एट ऑल, नो स्मेल एट ऑल। लेकिन मैंने उनकी साइट पर विजिट करके देखा इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाले हैं। इन्होंने चारकोल पाउडर से ऑब्वियसली बना हुआ है, साथ ही में इसमें टी ट्री ऑयल है, इसमें कोकोनट ऑयल है, इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल है जो हमारी स्किन को बहुत नरिश करता है। सो चारकोल इज फॉर द पीपल हु हैव एक्ने प्रॉब्लम, पिंपल प्रॉब्लम, एंड यू नो उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है, बहुत ज्यादा ही ऑयल सिक्रीट करता है, तुम्हारा चेहरा पूरा तेल वाला रहता है, तो आप चारकोल सोप को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और इस वाले को आप डेफिनेटली ट्राई करें क्योंकि ये अपने चेहरे पे से बिल्कुल ही ऑयल हटा देता है। तो मेरे हस्बैंड इसे यूज कर रहे हैं ऑन हिज फेस, मैंने भी अपने फेस पे से यूज किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ मैंने अपने फेस पे से यूज किया है। अगर सो आई वुड यूज दिस इन द समर टाइम, लाइक विंटर्स में तो नहीं लेकिन समर्स में इसे यूज करूंगी, और ये बहुत ही अमेजिंग है। मैंने अपने बॉडी पे भी जब इसे यूज किया तो भी आई सॉ दैट लाइक यू नो ऑयल खींच लेता है और इतना क्लीन कर देता है अपने बॉडी को। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा लेग्स पे, फुट पे, जहां पे आपको लगे डर्ट एंड ग्राइम है। अगर आपको अच्छा क्लियर स्किन चाहिए तो आप इसे वॉश ले सकते हो। एंड व्हाट आई सॉ दैट कि ड्राई स्किन वाला अगर इसे यूज करता है अपने बॉडी पे या अपने फेस पे, तो आपको हैवी मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, जैसे बॉडी बटर, बॉडी लोशन आपको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये ड्राई करता है। सो ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए तो बढ़िया प्रोडक्ट है, तो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप इसको रेगुलरली यूज करेंगे ना फ्रेंड्स, तो पिंपल्स को बहुत ही जल्दी खत्म कर देगा क्योंकि चारकोल बहुत अच्छा होता है उसके लिए। और साथ ही में इन्होंने टी ट्री ऑयल, ऑलिव ऑयल भी डाल दिया है इसमें, सो वो आपके पिंपल्स का ध्यान रखेगा। सो ये मुझे कहना था अबाउट द चारकोल सोप, इट्स रियली प्योर। और खास बात इसकी ये है कि इतने टाइम के बाद भी देखो इतना स्टिफ है ना, ये जल्दी गलता भी नहीं है, तो ये लंबे टाइम तक चलने वाला, आई थिंक ये मेरे तो घर पे बहुत टाइम तक रहने वाला है। सो एवरी वन इज टेकिंग अ वॉश एंड दे लविंग इट, लाइक उनको सबको अच्छा लगा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं, जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है ये यांग यांग मिस्ट। नाउ फ्रेंड्स, मेरे स्किन पे ज्यादा पिंपल्स वगैरह नहीं है तो आई डोंट गो फॉर टी ट्री टोनर्स, बट इनके वेबसाइट पे मैंने टी ट्री टोनर भी देखा है और मैंने लिया यांग यांग बिकॉज मुझे ये वेरिएंट अच्छा लगता है, मुझे ये इंग्रेडिएंट अच्छा लगता है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है एंड आई लाइक टू हैव दोज काइंड ऑफ मिस्ट विच यू नो गिव्स मी दैट ग्लोई इफेक्ट। तो इसलिए मैं लेवेंडर, रोज या फिर यांग यांग ऐसे टाइप के लेती हूँ, चैमोमाइल या ऐसा कोई। बट अगर आप पिंपल्स हैं आपको या फिर आपको ऑयली स्किन है तो आई वुड हाईली सजेस्ट टू गो फॉर टी ट्री टोनर ऑन देयर वेबसाइट है, उनके वेबसाइट पे भी। तो ये जो यांग यांग मैंने लिया है इट इज सो अमेजिंग। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी चीज लेते हो देगा ऑर्गेनिक से, ये वाले ब्रांड से स्पेसिफिकली मैं कह रही हूँ, आप एक टेस्ट कर लेना, पैच टेस्ट आप कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्योर है, बहुत ही ज्यादा रॉ अनफिल्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं। सो इसको प्लीज पैच टेस्ट करके ही यूज करना। एंड दिस वन आई रियली लाइक मैंने इसे थोड़ा ही यूज किया, ज्यादा यूज नहीं किया है बिकॉज मेरा अभी भी एक टोनर चल रहा है। लेकिन एज अ फेशियल मिस्ट ये बहुत ही इजी टू कैरी इन अ बैग है, बहुत ही छोटी सी बॉटल है 100 ml की, तो मेरे पर्स में भी मैं लेके जा सकती हूँ। एंड इफ ऑन द गो मुझे रिफ्रेश करना है अपने आप को तो मैं स्प्रे कर देती हूँ, तो एज अ मिस्ट काम करता है। और इसको एक अलग तरीके से भी यूज किया जा सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इतना प्योर एंड अनफिल्टर्ड है, तो अगर आपके पास कोई फेस पैक है पाउडर फॉर्म में तो उसके अंदर जैसे मुल्तानी मिट्टी या ऐसा कुछ है, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट पाउडर है, तो उसमें आप इसको डाल के मिक्स करके आप अपने फेस पे लगा सकते हो। तो एज अ लाइक यू नो डाइल्यूट करने के लिए किसी चीज को, या क्रीम में या किसी भी चीज में अगर आपको डाइल्यूट करने के लिए चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैं इस तरह से इसको यूज करने वाली हूँ, इसका बेनिफिट भी मिल जाएगा मुझे और मेरा फेस पैक वगैरह जो भी है उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। दिस वन इज प्राइस एट ₹490 फॉर 100 ml ऑफ अ बॉटल। ये पैकेजिंग में है इस तरह से एंड आप इसको स्प्रे करते हो, तो इस तरह से मैं स्प्रे इस पे भी कर सकती हूँ, मेकअप पे भी कर सकती हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है और फ्रेग्रेंस से ही पता चलता है कि कितना प्योर ये प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, मुझे पता है कि प्योरिटी किसे कहते हैं। सो यस, दिस वाज इट अबाउट द रिव्यू ऑफ द देगा ऑर्गेनिक्स
प्रोडक्ट्स, आई टोटली लव देम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं इनके प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोगों को भी हाईली रिकमेंड करूंगी. सो प्लीज़ विजिट देयर वेबसाइट वंस एंड यू कैन चेक फॉर योर सेल्फ प्रोडक्ट सूटेबल टू योर स्किन और योर हेयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स. इफ यू हैव एंजॉयड वॉचिंग, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और येस नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना. जाने से पहले कर दो सब्सक्राइब, साथ ही में छोटी सी बेल आइकन को भी हिट करना ताकि हम दोबारा जल्दी मिल सके. टिल देन आप अपना ध्यान रखना और हमेशा हंसते रहना.